लेंस कैसे बना? दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस का कॉम्बिनेशन लेंस है, ठीक। लेंस दो टाइप के, कन्वेक्स या कनकेव। अब हम क्या करेंगे, हम लेंस लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे और लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को रखे उसकी इमेज बनाएंगे। तो हम क्या करने जा रहे हैं, लेंस फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, लेंस मेकर नहीं, लेंस फॉर्मूला। दो टाइप के लेंस है, कन्वेक्स एंड कनकेव। तो कन्वेक्स में दो टाइप की इमेज बनेगी, रियल एंड वर्चुअल, और ऐसे ही कनकेव में एक टाइप की इमेज बनेगी और वो कौन सी, वर्चुअल। तो इसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले लेंस फॉर्मूला का कौन सा केस, कन्वेक्स का केस। कन्वेक्स का कौन सा केस, रियल इमेज का केस। रियल इमेज कब बनती है और कैसे बनती है, रे डायग्राम जरा ध्यान से देखेंगे। तो इसमें आपके पास एक लेंस है, तो इसमें एक लेंस आपने बनाना है। इस लेंस का ये प्रिंसिपल एक्सेस है, ये प्रिंसिपल एक्सेस है। आपने एक ऑब्जेक्ट बनाना है, एक रे आपने सीधी लेके जानी है, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल बेंड नहीं करनी, ये कन्वर्ज करेगी। जहां ये दोनों मिलेंगी कौन सी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी, क्योंकि एक्चुअल में ये दोनों की दोनों मिल रही हैं रेस, ठीक है यहां तक। अब नेक्स्ट जो है, इसमें ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है। इसमें एक पॉइंट नोट कर लें, पॉइंट ये कि यहां पर फोकस जरूर ड्रॉ करें। तो आपने इस ऑब्जेक्ट को फोकस के बियॉन्ड बियॉन्ड रखा तो रियल इमेज बनती है। हम अभी डिस्कस करेंगे, अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर के बीच में रखें तो कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। अब मार्किंग कर लेना अपने इस शीट में कि एनसीईआरटी में ये फोकस है, क्लियर है। इसमें नाम चेंज नहीं करने, ऑब्जेक्ट का नाम ए बी रखना है, इमेज का नाम ए डैश बी डैश रखना है, फोकस इसमें एफ है और ये सेंटर है और ये डी पॉइंट है, नाम एज इट इज ही रखने हैं, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद क्या करना है, आपने ट्राइंगल्स लेने हैं, ट्राइंगल स्टैंडर्ड है। पहला ट्राइंगल कौन सा लेना है, ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। तो पहला ट्राइंगल ए बी और सी, दूसरा ट्राइंगल ए डैश बी डैश और सी। तो आपने दो ट्राइंगल की सिमिलैरिटी यूज करनी है, जिसमें इसकी हाइट बाय इसकी हाइट, इसका बेस बाय इसका बेस, ठीक है यहाँ तक। तो ये आपने रेशियो लिख लेनी है। फिर आपने एक और ट्राइंगल लेना है, ए डैश बी डैश एफ और सी डी एफ। इन दोनों ट्राइंगल में फिर से एक बार दिस हाइट बाय दिस हाइट, दिस बेस बाय दिस बेस। तो आपने दूसरी रेशियो ले ली, इसके अंदर जो सी डी की लेंथ है वो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। तो आप सी डी की जगह क्या लिखोगे, ए बी लिखोगे। आपने ए बी लिख दिया, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है इक्वेशंस की, तो दोनों की राइट हैंड साइड भी सेम है, इक्वेट कर देना है। सारे डिस्टेंसेज कहाँ से बनाने हैं, फ्रॉम सेंटर, पर ये डिस्टेंस कहाँ से है, एफ से। तो आप एफ बी डैश को क्या लिखेंगे, सी बी डैश माइनस सी एफ, तो लिख दिया। और लास्ट में रेज राइट जा रही हैं, अगर डिस्टेंस सी बी डैश ले तो प्लस वी, प्लस वी। सी बी लें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, माइनस यू, माइनस यू, प्लस वी। और फोकल लेंथ कन्वेक्स की ऑलवेज पॉजिटिव, तो सी एफ इज प्लस। तो आप यहां पर ये वैल्यूज को पुट करेंगे, पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इक्वेशन आएगी, यू इंटू वी इंटू एफ से डिवाइड करेंगे तो आपके पास लेंस फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, ठीक। तो आपने सबसे पहले इसका डायग्राम रफ में बना के देखना है, डायग्राम ड्रॉ करें प्लीज, डायग्राम एक मिनट ड्रॉ करें इसका।
ठीक है, तो देखो जरा यहां तक क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो केस है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें प्लीज। वर्चुअल इमेज में एक पॉइंट नोट करें इंपॉर्टेंट, जो फोकल लेंथ है वो यहां मार्किंग करें, आपका ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर के कहीं कहीं भी होगा तो वर्चुअल इमेज बनेगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस के लेफ्ट पे हो गया तो रियल बनेगी, और अगर यहां पर हो गया तो वर्चुअल बनेगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो रूल नंबर वन, एक रे फिर से सीधा और फोकस में से पास करेगी, एक रे सेंटर में से पास करेगी, जब ये मिलेंगे तो इसकी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। तो इसकी इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। तो इसमें ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी ऑन दी सेम साइड है, और इसमें वर्चुअल इमेज जो है इरेक्ट है, रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, वर्चुअल हमेशा सीधी बनती है, ऑन दी सेम साइड बनती है। ट्राइंगल का नाम चेंज नहीं करना, ए बी सी डी ए डैश बी डैश एफ सेम, तो इसमें ट्राइंगल्स की रेशियो सेम, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी एंड इन ट्राइंगल ए बी सी, हाइट बाई हाइट इज बेस बाय बेस, ये एक रेशियो आ गई। इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ एंड सी डी एफ, हाइट बाय हाइट इज बेस बाय बेस। क्लियर है यहां तक? फिर सेम प्रॉब्लम, इसमें सी डी आ रहा है, सी डी किसके इक्वल है? ए बी, सी डी की जगह ए बी पुट करेंगे तो ये टर्म, इसकी रेशियो ए डैश बी डैश बाय ए बी, इसकी रेशियो भी ए डैश बी डैश बाय ए बी, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम है। इक्वेट कर लो, सारे डिस्टेंसेस कहां से लिए जाते हैं? फ्रॉम सेंटर, पर ये डिस्टेंस एफ बी डैश, एफ बी डैश सेंटर से नहीं है, तो क्या लिखेंगे? बी डैश सी प्लस सी एफ, तो ये लिखेंगे। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, सी बी इज माइनस यू, सी बी डैश इज माइनस वी, फोकल लेंथ कन्वेक्स की ऑलवेज पॉजिटिव, तो सी एफ इज प्लस एफ, तो तीनों टर्म्स पुट करेंगे यहां पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सेम इक्वेशन आएगी, यू इंटू वी इंटू एफ से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1 बाई एफ इज 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू, तो आंसर सेम आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो आप प्लीज इस फिगर को एक बार ड्रॉ करके देख लो। तो देखो इसमें ट्राइंगल्स में बता दिए मैंने, डायग्राम भी क्लियर है यहां तक, तो हो जाएगा क्वेश्चन। तीसरा केस है, तीसरा केस करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव के अंदर बहुत काम आएंगे डायग्राम्स, तो इसमें ना आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। इसमें क्या केस है? अगर कन्वेक्स लेंस है, रेज इंफिनिटी से आ रही है, तो रेज कहां मिलनी चाहिए? फोकस से। अगर सीधी आ रही होती तो फोकस पे मिलती, पर रेज यहां पर टेढ़ी आ रही है तो यहां पर कहीं मिलेंगी, इसको बोलते हैं फोकल प्लेन पे मिलेंगी। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू,
केस नंबर टू, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपका ऑब्जेक्ट 2F के बियॉन्ड पड़ा हुआ, इसको बियॉन्ड बोलते हैं, लेफ्ट को बियॉन्ड बोलते हैं, बियॉन्ड पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी और F और 2F के बीच में बनेगी। इमेज अगर आपका ऑब्जेक्ट 2F के बियॉन्ड पड़ा हुआ है तो इमेज आपकी कहाँ मिलेगी, आपको F और 2F के बीच में मिलेगी और छोटी मिलेगी, रियल मिलेगी, उल्टी मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी और छोटी मिलेगी। तो यही लिखा हुआ है, रियल मिलेगी, डिमिनिश्ड मिलेगी, छोटी इन्वर्टेड मिलेगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लेके आएंगे साइज ऑफ इमेज बड़ा होता जाएगा। तो देखें, पास लेके आए, अब आप सपोज कहां पर ले आए, 2F पे ले आए। जब आप 2F पे ले आए तो इमेज कहां पर बनेगी, 2F पे ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी। साइज पहले छोटा बन रहा था, अब बड़ी हो गई, 2F सेम साइज पे बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। क्लियर है यहां तक? तो इसमें रियल है, सेम साइज है और इन्वर्टेड है। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। और पास लेके आते हैं, अब ऑब्जेक्ट को कहां पास लेके आते हैं, 2F और F के बीच में लेके आते हैं। 2F और F के बीच में जो इमेज बनेगी वो उल्टी बनेगी, रियल बनेगी और भी बड़ी बनेगी, बड़ी बन जाएगी और बनेगी रियल और इन्वर्टेड बनेगी। तो हमने डेरिवेशन की वो ये डेरिवेशन की थी हमने, ठीक है यहां तक। और इसका मतलब रियल बनेगी, एनलार्ज बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। अब और पास लेके आओ ऑब्जेक्ट को, फोकस पे रख दो। जब फोकस पे रखोगे तो इमेज कहां पर बनेगी, एट इन्फिनिटी बन जाएगी। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे पड़ा हुआ तो इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ये भी क्लियर है यहां तक? इन्फिनिटी पे बनेगी। अब और पास लेके आओ, फोकस और सेंटर के बीच में लेके आओ, अब रियल बननी ही बंद हो जाएगी। क्या बनेगी? वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल सीधी बनती है, बड़ी बनती है और एनलार्ज बनती है और सीधी बनती है, ऑन द सेम साइड बनती है। तो जैसे जैसे आप पास लेके आ रहे हो 2F से, तो अब साइज बड़ा होता जा रहा है, बराबर हो गया 2F पे, F और 2F पे और बड़ा हो गया, F पे इन्फिनिटी हो गया, फिर सीधा रियल बनने की बजाय सीधा वर्चुअली बन गया। तो ये ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आएंगे डायग्राम, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, सीधा आंसर आपको मिलेगा इसमें। उसी तरीके से कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस में ये आपका ऑब्जेक्ट है, एक रे सीधा डाइवर्जिंग, एक सेंटर में से, जहां ये मिलेंगी ये इसकी इमेज है, और ये डाइवर्जिंग वाली रे कहां जाएगी, फोकस में से पास होगी। ये भी क्लियर है यहां तक? तो इसके अंदर ट्राइंगल सेम है, तो आपने एक ट्राइंगल लेना है ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी और ए बी सी, हाइट बाय हाइट इज बेस बाय बेस। तो ये पहली रेशियो है। दूसरी ए डैश बी डैश एफ और सी डी एफ, हाइट बाय हाइट इज बेस बाय बेस। तो यहां से सी डी किसके इक्वल है, ए बी के, तो सी डी की जगह आप पुट करेंगे ए बी, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी सेम। एफ बी डैश को क्या पुट करेंगे, सी एफ माइनस बी डैश सी, ये पुट कर दिया। इसके अंदर सी बी, सी बी इज माइनस यू, सी बी डैश इज माइनस वी और फोकल लेंथ कनकेव की इज नेगेटिव। तो ये नेगेटिव 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 सारा पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यू वी एफ से डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक?